दोस्तों, कुछ दिनों पहले मैं मध्य प्रदेश में स्थित भोपाल में स्थित राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ की शाखा में गया, जहां पर एक बेहद ही खास आयोजन किया गया था। जी हाँ, मैं जिस कार्य से यहां पर गया था वो था मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय दृष्टि बाधार्थ शतरंज स्पर्धा, जिसका आयोजन दृष्टि बाधार्थ शतरंज कल्याण समिति मध्य प्रदेश ने किया। ज्ञानदीप छात्रावास भोपाल में इसका आयोजन हुआ और ये पहला मौका था जब मध्य प्रदेश से ब्लाइंड चेस प्लेयर्स, दृष्टि बाधार शतरंज प्लेयर के 14 खिलाड़ियों का चयन किया गया पूरी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता करते हुए, और ये 14 खिलाड़ी जोनल में जाकर के अपना प्रदर्शन करने के लिए चयनित हुए थे। तो इस दौरान हम यहाँ पहुँचे और एक बेहद ही खास आयोजन का हम हिस्सा बने। आप सभी हमारे आज के चीफ आर्बिटर श्री निखिलेश जैन सर, हमारे पुष्पेंद्र त्रिपाठी सर हमारे बीच आ चुके हैं, और मैं आप दोनों का ही सर थैंक यू। कैसे हो आप सब? आप में से बहुत सारे लोग जो है शतरंज खेल रहे हैं आप सब में, और कैसा रहा आपका मैच, कैसे रहा? मुझे कुछ दिन पहले पता लगा था कि यहाँ पर स्टेट चैम्पियनशिप हो रही है, तो मैंने बोला कि ठीक है, बिल्कुल अच्छी बात है, और हमारी तरफ से जो भी चेस प्लेयर्स इंडिया की तरफ से सहयोग हो पाएगा हम करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। और नेशनल लेवल पर बहुत सारे प्लेयर हैं, पिछले कुछ समय में पैरा ओलंपिक गेम्स में एंट्री मिलना शुरू हो गया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, और मुझे लग रहा है कि इससे काफ़ी आप में से टैलेंटेड प्लेयर जो है वो ना सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पे भी जाके अच्छा कर सकते हैं। और मैं बस आपको यही बोलना चाहता हूँ कि आप में से हर एक व्यक्ति हम लोग के लिए जो है वो प्रेरणा है, मेरे लिए बहुत प्रेरणा है इस बात से मिलती है कि आप इतनी मेहनत करके शतरंज को खेलते हैं, और आप सारे के सारे जो है वो योद्धा हैं अपने जीवन में। सो थैंक यू सो मच कि आप हमें इंस्पायर करते हैं, और खूब अच्छा आप मेहनत करिए, इस खेल में आगे बढ़िए। चेस प्लेयर्स इंडिया की तरफ से आपको जिस तरह की भी मदद हम कर सकते होंगे, चाहे वो आयोजन में हो, चाहे वो किसी भी तरीके की हम मदद अगर कर सकते होंगे तो ज़रूर हम आप तक मदद पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच हमें प्रेरित करने के लिए, और जो जीते सबको बधाई, जो चैम्पियन बने उनको बधाई, और जो नहीं जीत पाए आप लगातार मेहनत करते रहिए, अगला नंबर जो है वो आपका ज़रूर होगा। थैंक यू। इस प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश के कुल 27 खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसमें सूर्य प्रताप सिंह 5 में से 5 अंक बनाकर के पहले स्थान पर रहे, तो सुनील लोधी दूसरे और शुभम शुक्ला तीसरे स्थान पर रहे। यह टूर्नामेंट अपने आप में खास था, क्योंकि इन खिलाड़ियों के लिए रहने की व्यवस्था भी इसी हॉस्टल में ही करनी थी और यहीं पर इनके लिए टूर्नामेंट का आयोजन करना था। यह बेहद ही चुनौतीपूर्ण आयोजन होता है, और इस के लिए हमें मध्य प्रदेश दृष्टि बाधार संघ का धन्यवाद करना होगा। मैं भी ये कहना चाहूँगा कि मैं चाहता हूँ, मैं शतरंज खेलता था, फिर मेरा वजीर नहीं रहता तो मेरा गेम आउट हो जाता, मैं गेम छोड़ देता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि हम इसको बहुत आगे ले जाना चाहते हैं, और विशेष रूप से जो सर हैं, मैं जब कल उनसे मिला तो मैं थोड़ा प्रभावित ऐसा हो गया कि यार मैं इतना शांत आदमी देख रहा हूँ, जो बड़ी बड़ी एक एक घंटे की चालों से मात देने वाली ट्रेनिंग कराते हैं। तो मैं आपसे अनुरोध मेरा यही है कि जब भी हम आपको याद करेंगे, और हम आपको याद नहीं भी करेंगे तो भी आपका ये दायित्व है कि आप हमारे दृष्टिबाधित शतरंज खेल को एक पहचान दिलाने की कोशिश करें, जैसे अभी विश्व में दृष्टिबाधित क्रिकेट का नाम चल रहा है, तो वैसे हमारे शतरंज का भी थोड़ा बोल भाला होना चाहिए और हमारे एक फेडरेटिंग टूर्नामेंट कराना चाहते हैं, क्योंकि हम दृष्टिबाधिता शतरंज कल्याण समिति जो हमारा संघ है, हमारे पास इतनी फाइनेंशियल कंडीशन है नहीं कि हम उस टूर्नामेंट को, हम बहुत देर से सोच रहे हैं कि हम उस टूर्नामेंट को मध्य प्रदेश के अंदर कराएं, क्योंकि अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कि दृष्टिबाधित लोग भी शतरंज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश में भी किशन गांगुली जी से जैसे प्लेयर्स खेलने के लिए आएँ, दर्पण ईरानी जैसे प्लेयर्स खेलने के लिए आएँ,
और भी बहुत सारे ऐसे प्लेयर जो नामी ग्रामीण प्लेयर्स हैं वो खेलने के लिए आए, तो हम ऐसा अनुरोध सर से करते हैं कि हम एक योजना बनाकर चाहे वो टूर्नामेंट हमारा वीडियो रेटिंग कोई भी टूर्नामेंट हो, वो हमको पूरी उम्मीद है कि सर हमसे हमारा जरूर सहयोग प्रदान करेंगे और हमें जरूर अपना आशीर्वाद देंगे। जय सर, ऐसी उम्मीद आपसे करता हूँ। एक बार फिर से आप सभी प्लेयर्स, आप सभी अतिथियों और सबों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। मैं दिलीप कुमार मार्केटिंग आपको बोलूँगा, तब तक के लिए नमस्कार। हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश दृष्टि बाधित शतरंज संघ के खिलाड़ी और साथ ही साथ अधिकारी। तो सबसे पहले सूर्य प्रताप सिंह ठाकुर, आपने जो मध्य प्रदेश का पहला राज्य स्पर्धा हुआ है दृष्टि बाधित का, उसको जीता है आपने, तो कैसा रहा टूर्नामेंट आपके लिए और कैसा अनुभव रहा यहाँ पर? सबसे पहला टूर्नामेंट हमारा था स्टेट का, यहाँ खेल के नाम बहुत अच्छा लगा। मतलब इसके पहले हम 3-4 बार नेशनल खेल चुके हैं, बट ये जो फीलिंग है पहली बार यहाँ स्टेट में खेलने की, वो उन सब टूर्नामेंट से कुछ अलग है, क्योंकि यहाँ हम अपने स्टेट में खेल रहे हैं, तो बहुत ही अमेजिंग फीलिंग रही है, अच्छा लगा यहाँ खेल के। और अब आगे और इससे प्लेयर यहाँ से और निकलें, हम लोग ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर यहाँ से निकल के आगे जाएँ, जोनल में खेलें, जोनल के बाद नेशनल में अच्छा परफॉर्मेंस करें, तो उसी पे हम लोगों का फोकस है। ओके, टूर्नामेंट आप खेले, आपने 5 राउंड जीते, आप अकेले रेटेड खिलाड़ी थे यहाँ पे, तो आपको रेटिंग कहाँ पे मिली थी शतरंज में फीडे रेटिंग? सर मुझे पहली रेटिंग हैदराबाद फीडे रेटिंग टूर्नामेंट्स में मिली थी। हैदराबाद में नित्थम कॉलेज में टूर्नामेंट्स हुए थे, वहाँ पर 2017 लास्ट ईयर फिर 18 जनवरी। आपने नेशनल में दर्पण ईरानी को भी हराया है। दर्पण ईरानी के साथ ड्रॉ हुआ था, माधी मुत्तू को मैंने हराया था, और इस नेशनल चैंपियन है शुभेंदु पात्रा, उनको हराया था मैंने। मेरी रैंक उस साल नेशनल में 9th या 8th। अच्छा, ओके। किस तरह की समस्याओं का सामना आपको करना पड़ता है जब आप टूर्नामेंट खेलने आते हो? सर अब मैं, मेरा क्या ज़्यादा विजुअली जो ब्लाइंड फील्ड से मेरा बचपन से भी मेरी कोई कनेक्टिविटी थी नहीं, वो मैं चेस फील्ड के द्वारा ही इन लोगों से मिला हूँ, क्योंकि जब मैं बोर्ड पे बैठता हूँ तो मुझे बोर्ड मतलब क्लियर समझ में नहीं आता, तो इसमें जब मैं साइडेड टूर्नामेंट्स में खेला तो मुझे वहाँ से पता चला कि ब्लाइंड्स के भी टूर्नामेंट होते हैं, तो फिर मैंने वहाँ जाके के ब्लाइंड के EICFB के इवेंट्स में जाकर के खेलना शुरू किया, तो अब मुझे मतलब फिर उन लोगों से मिलने के बाद में, ब्लाइंड लोगों से मिलने के बाद में ना, उन लोगों की जो मतलब प्रॉब्लम्स हैं वो और मतलब जानने को मिली। तो अभी आपने ये टूर्नामेंट जीता, कोई गेम याद है आपको थोड़ा बहुत? हाँ, लास्ट ईयर। क्या बताओगे थोड़ा कैसा था गेम? हाँ, इसमें मैं वाइट था और मेरा अपोनेंट था वो ब्लैक था, उसमें डी मेरा फर्स्ट मूव d4 d5 c4 pawn takes c4 e3 bishop f5 bishop takes pawn knight f6 queen b knight c6 क्वीन बी 3 नाइट एच सिक्स ब्लैक का, और क्वीन टेक्स बी सेवन एंड क्वीन टेक्स बी सेवन डी सिक्स क्वीन टेक्स नाइट एंड अपोनेंट रिजाइन, उसका नाइट माइनस रिजाइन कर दिया यहाँ। चलिए, बधाई, आपको पूरा गेम भी याद है। मेरे साथ हैं डॉक्टर दिलीप। दिलीप जी, आप बताएंगे थोड़ा अपने बारे में, आप क्या हैं इस संघ में, आपने कब शुरू किया था? जी, ये हमारा दृष्टिबाधिता शतरंज कल्याण समिति है, पर हमने ये 2018 में शुरू किया था जून में,
और मैं इसमें एज अ सेक्रेटरी काम कर रहा हूँ फिलहाल। और ये हमारी जो संस्था है, इंस्टीट्यूशन है, वो स्पेशली विजुअली इम्पेयर्ड्स के लिए, शतरंज के लिए, चेस के लिए काम करती है, उसके प्रचार प्रसार के लिए, अवेयरनेस के लिए, टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजेशन करने के लिए, वर्कशॉप ऑर्गेनाइजेशन करने के, ऑर्गेनाइज करने के लिए, और फंड रेज करने के लिए, उनके लिए बहुत सारी चीज़ें इसमें एक्टिविटीज़ हैं हमारी। तो हम ये सब करते हैं और आज हमारा स्टेट लेवल टूर्नामेंट हमने यहाँ पे किया है और बड़ी खुशी हो रही है, एक सफल आयोजन करके एक बड़ी शांति हो रही है हमको, मतलब लग रही है मन में कि हमने कुछ किया है आज हमारे विजुअली इम्पेयर्ड प्लेयर्स के लिए स्पेशली, क्योंकि क्रिकेट है, अन्य जो गेम्स हैं वो तो बहुत चल रहे हैं, उनके ऊपर बहुत सारे लोग ध्यान दे रहे हैं, बहुत सारे काम करने वाले लोग हैं, पर स्पेशली मध्य प्रदेश में, एमपी में दृष्टिबाधितों के लिए शतरंज, चेस के लिए काम करने वाला हमारा एक लौता ऑर्गेनाइजेशन है और हम इसको रन कर रहे हैं, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है फिलहाल। शिव जी, आप जो हैं वो डॉक्टर भी बनने वाले हैं, पता लगा है हमें कुछ दिन में, और आप अध्यक्ष हैं समिति के, क्या प्लान है आप लोग के आगे, आप क्या करना चाहते हैं? सर आगे अभी तो हमारे पास इसी महीने में यानी अगस्त में हमारी टीम वेस्ट जोन खेलने जाएगी, और इसके अलावा सर हम लोग आगे चेस इन स्कूल प्रोग्राम जो है हमारे EICFB का भी तो उसी के तहत हम भी काम करना चाहते हैं कि हमारे जो ब्लाइंड स्कूल्स हैं वहाँ पर हम बच्चों के लिए काम करें, उनको चेस सिखाएं और उनको चेस में आगे लेकर के आएँ। और इसके अलावा सर हम चाहते हैं कि जैसे अभी सूर्य प्रताप जी सेलेक्ट होके गए हैं और इनके साथ में और भी 14 प्लेयर्स हैं, तो ये लोग भी इनको हम कोचिंग उपलब्ध कराएं, कोचिंग दें, ये है सर। और बाकी आगे हम भविष्य में सोच रहे हैं कि कुछ छोटे छोटे टूर्नामेंट जैसे हम लोग कराने की कोशिश करें, और फीडे रेटिंग का भी हमारे मन में है ताकि हम लोग यहाँ पर लोगों को चेस के लिए अवेयरनेस ला सकें चेस के लिए, और एक जो दृष्टिबाधितों के प्रति जो रवैया है लोगों का उसको चेंज कराएं और सकारात्मकता उनके अंदर हम लेकर के आए सर। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका चेस बेस इंडिया से बात करने के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप टूर्नामेंट करते रहेंगे और चेस बेस इंडिया से जो भी सहयोग होगा वो हम आपको करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।